राजस्थान विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ और हम ये जो अभी मांग यहाँ पे हमने रखी है वो सरकार ने विश्वविद्यालय कर्मचारी और राज्य सरकार में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है। राज्य सरकार के कर्मचारी को किसी तरह का कोई मान्य कराना है नियोक्ता को जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, और विश्वविद्यालय कर्मचारी साथियों को उनको 12% ब्याज के साथ में पैसा, जबकि वो NPS का पैसा NPS के खाते में ही पड़ा है, हमारे पास में नहीं है। उसके बाद में भी कहा जा रहा है कि NPS का पैसा आपको जमा कराना है, तो इसके विरोध में हम ये सभी संपूर्ण राजस्थान के विश्वविद्यालय यहाँ आए हैं। 5 कृषि विश्वविद्यालय भी इस आंदोलन में शरीक हुए हैं और संपूर्ण विश्वविद्यालय जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी कर्मचारी साथी आए, उसके साथ ही हमारे मेट्रो वाले, हमारे दूसरे साथी आए बोर्ड निगमों के, उन सब के साथ आज अभी वार्ता के लिए जा रहे हैं। यूनियन का प्रेसिडेंट यहाँ पर दो विषयों को लेकर, दो मांगों को लेकर आज प्रदर्शन हुआ। पहला जो NPS का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 12% ब्याज के साथ जमा करवाने का, और दूसरा सरकार अपने स्तर पे जो पेंशन की जिम्मेदारी ले। और हमारा रैली का प्रोग्राम भी था CM हाउस के घेराव का, यहाँ पे पुलिस ने रोक लिया और अब यहाँ पे हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो वार्तालाप के लिए जा रहे हैं। धरना दिया आज आप लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर, आज यहाँ पर राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं इकट्ठा हुई। राजस्थान सरकार द्वारा जो कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन आदेश जारी हुए हैं उसमें नियोक्ता अंशदान राशि को जमा कराने की शर्त है उसके विरोध में, तथा पूर्ण पेंशन का जो भार है जो जिससे इनके संस्थाओं के ऊपर डाला जा रहा है उससे आर्थिक तंगी आ रही है, उसका जो भार है वो विश्वविद्यालय का जो इनका संस्थाओं का जो पेंशन भार है वो सरकार अपने स्तर से वहन करे, इसके अलावा हमने यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया। कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, राजस्थान के शिक्षक हैं या केवल जयपुर के शिक्षक हैं? नहीं, राजस्थान के समस्त स्टेट यूनिवर्सिटीज़, राजस्थान के 4 बोर्ड हमारे समर्थन में हैं जिसमें हमारे मेट्रो कॉरपोरेशन, JCTCL, TSL, ऊर्जा निगम बोर्ड हमारे साथ है, इन सब का समर्थन है क्योंकि इन सभी जगह NPS लागू थी उसको हटाकर सरकार ने OPS दिए, पर शर्तों के साथ दिए। हमारा वो शर्त का विरोध है कि भाई आप पेंशन दे रहे हो तो पेंशन का भार भी लो, और उसके साथ साथ ये जो पैसा जमा कराने की जो शर्त आपने कार्मिकों पर डाली है इसको हटा। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हमारे पास जो जितने भी संस्थाएं हैं आज की तारीख में हमने एक ही निर्णय लिया है, एक होकर एक ही आवाज़ में, अगर आगामी सप्ताह तक अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है या इस आदेश को संशोधित नहीं करती है तो फिर राजस्थान की समस्त स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और समस्त जो बोर्ड हमारे साथ हैं वो एक संपूर्ण बंद करेंगे। जल कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष, राज्य सरकार ने अपने बजट भाषण में OPS लागू कर दिया, उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु उसके साथ में बजट एलोकेशन किया ही नहीं तो पेंशन कहाँ से देंगे? वो तो एक कर्मचारी को, विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनको गुमराह किया गया एक तरह से, और दूसरी तरह तो जो है NPS से जो OPS पे जो कर्मचारी आ रहे हैं उनको 12% ब्याज से पैसा जमा कराना है, और जबकि ये लेते हैं 10% और हमसे 12% ब्याज ले रहे हैं। और एक जो साधारण कर्मचारी की हम बात करें, एक चपरासी है, सहायक कर्मचारी है, वो अगर उससे 10-15 लाख रुपए एक साथ जमा कराने के लिए कहा जाएगा तो कहाँ से लाएगा एक मुश्त पैसा क्या? तो हम इसका विरोध करने के लिए आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है।